सही हो जाएगी। रेप पर कैसे करें? एक तो आज कालाष्टमी है और कालाष्टमी डाकिनी पर बहुत भारी पड़ती है। आज के दिन डाकिनी की ताकत बहुत कम पड़ जाती है और फिर हम उस कमबख्त नैना को तभी रोक सकते हैं ना जब वो हमारे सामने आए। शैतान जाने कहाँ चली गई है वो। जान जी, आपने मुझे ढूंढा कैसे? दिल में प्यार हो तो आंखें सच पहचान ही लेती हैं। मुझे पहले ही पता था कि जो मेरे साथ है वो नैना नहीं, रानी है। मैं जानता था रानी ने तुम्हें कहीं छुपा कर रखा है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। जब हर दरवाजा बंद हो गया था तो मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मैं मंदिर आया। उन्होंने मुझे बताया था कि वो रानी की मुक्ति की प्रार्थना के लिए यहाँ आने वाली है। उन्होंने ये भी कहा था कि यही ऐसी एक जगह है जहाँ बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। योगी जी, कुछ कीजिए, नैना को बचा लीजिए। फिक्र मत करो राजा, जब इरादे बड़े होते हैं तो मोहब्बत छोटी नहीं रहती। बड़ी रानी माँ, हमने आपको दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते हुए तो बहुत बार देखा है, पर कांटों का किवाड़ लगाते हुए पहली बार देख रहे हैं। दरवाजे सिर्फ बाहर वालों को अंदर आने से रोकने के लिए नहीं होते छोटी चुईया, अंदर वालों को बाहर जाने से ही रोकने के लिए होते हैं। जो जिंदा हैं वो इस कांटों के किवाड़ के अंदर नहीं आ सकते और जो मुर्दा हैं तेरी तरह वो इस कांटों के किवाड़ के बाहर नहीं जा सकते। बड़ी रानी माँ, आपको हम पर भरोसा नहीं है? सिर्फ आप ही तो हैं जो मैं राजा तक पहुँचा सकती है, हम आपका साथ क्यों छोड़ेंगे भला? हमें ये डर नहीं है कि तू चली जाएगी, क्योंकि अंधेरा रात का साथ कभी नहीं छोड़ता। डर तो हमें उन कमबख्तों से है जो सुबह को बुलाना चाहते हैं। आज की रात वो तुझे मुक्ति देने की पूरी कोशिश करेंगे। वो तुझे तेरी मुक्ति देना चाहते हैं और हम तुझे तेरी मोहब्बत देना चाहते हैं। हम उन्हें रोकेंगे और जरूर रोकेंगे। सुनो बालिका, जब तक हमारा हवन पूरा नहीं हो जाता तुम्हें अपने जीवन का आधार अपनी सांस रोक कर रखनी होगी। ये कैसे हो सकता है बाबा जी? इसमें तो बहुत खतरा है। नैना, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ये हवन पता नहीं कितनी देर चलेगा, तुम्हारी जान को खतरा है इसमें। जो बाबा योगी जी कहेंगे मैं वो करूंगी। कान जी, बिना आपके तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगी। अगर कुछ देर सांस थामने से हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे तो मैं जरूर करूंगी।
पहली पत्नी रानी को आवाज दो, उसे डाकनी ने रोक के रखा होगा, वो तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं कर पाएगी। रानी, कहाँ तुम? रानी, रानी, रानी! छोटी चूहिया, इस चूहेदानी हमने तुझे रोकने के लिए बनाई है। बड़ी रानी, आप जाने दीजिए ना, हमें हमें हमारे राजा के पास जाना है। नहीं जा सकती तू, हमारे राजा की जान खतरे में है। बड़ी रानी माँ, बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं चाहता कि रानी दुनिया से ऐसे जाए जैसे उसने मुझसे प्यार करके कोई गलती की है। हमारा नाम प्रियमदा सिंह देव है, हम तुम्हारी इजाजत नहीं मांग रहे राजा, अपना फैसला सुना रहे हैं। हम अपनी बलि चढ़ाएंगे बाबा।